कि मैंने चर्च के ऊपर बहुत लोगों से कहा कि वो लिखे लखनऊ के चर्च के ऊपर, कई पादरियों से मिला, बिशप से मिला, लेकिन किसी ने नहीं लिखा, क्या आप लिख सकते हैं? मैंने कहा कोशिश करूंगा, और मैंने उनसे वादा कर लिया, शुरू किया मैंने लिखना। ये जो सब चर्च एक से लगते हैं देखने में, वास्तव में अगर आप अंदर जाएं तो ये अलग अलग हैं। तमाम डिनोमिनेशन के चर्चेज अलग अलग हैं, प्रार्थना के तरीके अलग अलग हैं, उनकी जो त्योहार हैं, कुछ कुछ क्रिसमस ही नहीं मनाते हैं, क्रिश्चियन हैं क्रिसमस नहीं मनाते हैं, ईस्टर नहीं मनाते हैं। तो चर्च पे जब मैंने लिखना शुरू किया तो ये बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए, फिर भी एक मैंने ये किताब तैयार की, लखनऊ के गिरजाघर, और इसमें तकरीबन जो भी चर्चेज मिले 50-60 उनका जिक्र किया। और उन दिनों जब मैं ये चर्चेज पे लिख रहा था तो 52 हफ्ते हर संडे मैं अलग अलग चर्च में गया, पहले पहुंच जाता था, पादरी साहब से मिलता था, बात तक रुकता था, उनसे कुछ पूछता था। डिफिकल्टी ये हुई कि पादरी साहब कहते हैं हम तो केरल से आए, हमें लखनऊ के बारे में कुछ नहीं पता, अपने गिरजे के बारे में कुछ नहीं पता। तमाम जो चर्च के अंदर टैबलेट्स लगी होती हैं उनको मैंने फोटोग्राफ किया और उतार के पूछताछ करके कुछ और गजेटियर से, कुछ किताबों से ये किताब तैयार की। देखने में ये छोटी किताब है, चर्चेस की एक डायरेक्टरी अगर देखें, लेकिन इस किताब में भी बहुत सी, जैसा कि चाहते थे हमारे चतुर्वेदी जी शैललाल जी, कि वो बातें लिखिए जो लोगों को नहीं मालूम है। 2-4 बातें बता देता हूँ जो शायद लोगों को नहीं मालूम है, कि सबसे पहला चर्च यहाँ रेजिडेंसी में बना था 1810 में, जो 1857 में ध्वस्त हो गया। एक चर्च मणियाव में जब छावनी थी, ये छावनी नहीं थी, वहां बना था, वो भी 1857 में ध्वस्त हो गया। कोई चर्च नहीं रह गया 1857 के बाद लखनऊ में, ये पिछली बार भी मैंने जिक्र किया था। तो सारे ईसाई दुआ करने जाते थे हजरतगंज के मकबरे में, और मकबरा संडे को गिरजे में बदल जाता था। ये फैक्ट है, वहां के रिकॉर्ड देख के, वहां के सचिव से मेरी बात हुई, कई पुस्तकों में भी इसका जिक्र है। ये एक खास बात है इस चर्च के बारे में। उसके अलावा ये दिखाता है कि कितना भाईचारा था। आज जो मंदिर मस्जिद गिरजे के लिए लड़ते हैं, ये बताता है कि ऐसी लड़ाई तब नहीं थी। अगर और जानकारी चाहिए, छोटी छोटी जानकारी तो इसमें दी गई है। एक और खास बात बता दूं कि जब क्राइस्ट चर्च बना, ये पहला चर्च था 60 में बन गया, तो ये एक सरकारी गिरजा था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्टिंग होती थी उनका गिरजा था एक तरह से, और इसके चैपलेन को मंत्री का दर्जा प्राप्त था। पंच बंगलिया में जो 5 बंगले मंत्री के लिए बने थे, वहीं इन पादरी साहब का बंगला था, अभी भी है वो 6ठा बंगला पुलिस चौकी के पास जो बंद पड़ा है, और वही सारे कार्यक्रम कराते थे जो सरकारी कार्यक्रम होते थे, उसका उसका दर्जा मंत्री के बराबर था। आज भी लामा टीनियर की कॉलेज में जो उनकी गवर्निंग काउंसिल है, मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें उस गिरजे का पादरी मेंबर की हैसियत से होता है। तो ये चर्चेस के ऊपर जो भी मुझे जानकारी मिली मैंने इसमें दी। उसके बाद मैं उनको मिलने गया तो कहने लगे कि कुछ 1857 पे लिख दीजिए। तो मैंने कहा बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत लिखा जा चुका है, पूरे वॉल्यूम्स में लिखा जा चुका है। कहने लगे नहीं, आप सिर्फ रेजिडेंसी पे लिख दीजिए। तो मैंने रेजिडेंसी पे एक किताब लिखी 100 पन्ने की, उन्होंने उसको 1 और 2 भागों में कर दिया। इनमें भी वो बातें हैं जो बहुत सी नई बातें हैं और पहले शायद नहीं आई होंगी, उनका मैंने इसमें जिक्र किया है। एक मैंने इसमें जिक्र किया कि एक वाटर गेट है वहाँ, वाटर गेट कांड बड़ा मशहूर हुआ अमेरिका से, जब वो जासूसी में राष्ट्रपति जी पकड़े गए जिनको पद से त्याग पत्र देना पड़ा। लेकिन एक वाटर रेजिडेंसी में भी है, जो उधर का गेट है जो नदी की तरफ है, वो वाटर गेट कहलाता है। आज भी वहां लिखा हुआ वाटर गेट। रीजन ये है
कि पानी नदी से उसी रास्ते रेजिडेंसी को सप्लाई होता था। दूसरा कारण एक और लिखा है किसने अपनी डायरी में लिखा है कि जब रेजिडेंसी खाली हो रही थी, इन्होंने युद्ध जीत लिया अंग्रेजों ने, तो सब लोग गए और एक सिपाही जाके सो गया। रेजिडेंसी खाली हो गई वो जगह, तो देखा अरे रेजिडेंसी तो खाली हो गई, सब लोग कहाँ गए, तो वो भागा। उसका नाम वाटर गेट था और उसी गेट से कूद के भागा वो, जहाँ गेट है वो तो गेट में ताला लग गया था, तो उसके नाम पे वाटर गेट रख दिया गया। ऐसा भी लिखा है, किंवदंती है, पता नहीं इसमें कितनी सत्यता है। रेजिडेंसी का युद्ध जो है वो सबसे ज्यादा बहादुरी से लड़ा गया और सबसे आखिर तक हिंदुस्तान की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई रेजिडेंसी में चलती रही। सबने सर दिल्ली जीत ली गई, झांसी जीत ली गई और जगह जीत ली गई, लेकिन लखनऊ सबसे बाद में जीता गया। लखनऊ की रेजिडेंसी पे जो अंग्रेजों का झंडा लगता था वो रात दिन फहरा जाता रहता था, जबकि रूल ये है कि सनसेट पे झंडा उतार लिया जाता है, लेकिन एक रेजिडेंसी ऐसी थी जहां हर वक्त 24 घंटे वो झंडा लगा रहता था। ये नई बात है। एक और बात है कि लामा टीनियर कॉलेज के 60 लड़के और 9 टीचर रेजिडेंसी में लड़ने गए थे। लामा टीनियर हाउस वहां नाम से बिल्डिंग थी, टूट गई है, उसका पत्थर अभी लगा हुआ है। उन्होंने लड़ाई में भाग लिया और लामा टीनियर कॉलेज को आर्मी फ्लैग दिया गया उसके बदले में। वो फ्लैग लामा टीनियर कॉलेज के पास अभी भी है। हिंदुस्तान में एक ही कॉलेज है जिसके पास आर्मी का फ्लैग है। ऐसी ही कुछ बातें इन किताबों में हैं जो आपको रुचिकर लगेंगी। ऐसा नहीं कहता हूं कि ये मैंने पहली बार लिखी हैं, आप लोगों ने बहुतों ने पढ़ी होंगी, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो रुचिकर लगेंगी आपको अगर आप इनको देखेंगे। 1913 में 100 साल हो गए सिनेमा जगत के, तो मैं फिर उनके पास गया कि साहब अब क्या करना है मुझे। कहने लगे अरे सिनेमा पे लिख दीजिए साहब कुछ। नरेश सिंह जी आप तो सिनेमा देखते होंगे। मैंने कहा मैं तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में बड़ा भारी सिनेमची था, ये तो आपने बड़ा अच्छा टॉपिक दे दिया मुझे, और मैंने सिनेमा पे लिखना शुरू किया। उनका पर्पज ये नहीं था कि सिनेमा के ऊपर इतिहास लिख दीजिए, और उनका मतलब ये था कि लखनऊ में जो सिनेमा खत्म हो रहे हैं एक के बाद एक, कभी उन्होंने 35-37 सिनेमा देखे थे, मैंने भी 30 से ऊपर देखे थे, और आज 6-7 बच्चे जो चल रहे हैं कितनों की बिल्डिंग टूट गई है। कहने लगे ये तो एक भी नहीं रह जाएगा, आने वाली जनरेशन को क्या पता लगेगा लखनऊ में क्या होता था, सिनेमा क्या चीज थी, कैसे होते थे सिनेमा, सिंगल स्क्रीन सिनेमा खत्म हो जाएंगे। तो मैंने एक लखनऊ के सिनेमा पे एक किताब लिखी और इसमें भी कुछ नई बातें हैं। सबसे पहला सिनेमा मेहरा टाकीज यहां था एक, उससे पहले रॉयल उसका नाम था, उससे पहले कोहिनूर उसका नाम था, और सबसे पहले उसका नाम था पर्ल सिनेमा। जब बिना बोलती चालती पिक्चरें बनती थी तो नौशाद साहब इस सिनेमा में पिक्चरों को वहीं बैठ के म्यूजिक दिया करते थे, सुनाए उनको 2 रुपए मिलते थे या कहीं 8 आने लिखा है रोज के मिलते थे, और वो उसमें, और बीच बीच में एक डांस हो जाया करता था, वो नाचने वाली जो फिल्म लगती थी उनको बुला लाते थे, इंटरवल तो डांस हो गया, मनोरंजन हो गया। 4 नाम उसके बदले, वो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला सिनेमा था। एक यहाँ प्रिंस थिएटर हुआ करता था जहां आजकल प्रिंस मार्केट है। जब प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ आए तो उनके नाम पे सरकार ने प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन बनाया, तो राजा साहब पटवाना ने भी फायदा उठाया, बोले प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ आए हैं तो इनका भी कुछ लाभ ले लूं। तो उन्होंने कहा साहब हम एक सिनेमा बना रहे हैं, हमारे सिनेमा की शिलान्यास कर दीजिए। तो उन्होंने उसका नाम शिलान्यास किया और उसका नाम प्रिंस थिएटर पड़ गया। आज वो खत्म हो गया, वहां प्रिंस मार्केट है। तमाम सिनेमाओं के नाम बदले गए हैं। ओडियन मिनरवा था, साहू फिल्मिस्तान था, नाच जो था वो मनोरंजन था, ये सब बदल गए और अब सिनेमा खत्म हो गए। शायद ये छोटी सी किताब अगर बची रही
तो ये आने वाली जनरेशन को बताएगी कि लखनऊ में कैसे सिनेमा होते थे और कैसे चलते थे। उसके बाद कहने लगे आप लिख दीजिए एक किताब, लखनऊ का फिल्मों को योगदान, 60 से लेके और 80 तक लखनऊ छाया रहा, पूरा उत्तर प्रदेश छाया रहा, वहां बॉलीवुड में हम ही छाए रहते थे, लेखक भी यहाँ के, सिनेमाकार भी यहाँ के, फिल्में बनाने वाले यहाँ के। तो एक ये छोटी किताब लिखी मैंने, लखनऊ का फिल्म जगत को योगदान। यहाँ से जो लोग गए, कहानीकार हैं आप देखेंगे, आज अभी कई लोग हैं मौजूद, मुजफ्फर अली साहब तो जिन्होंने एक पिक्चर लखनऊ पे बनाई उमराव जान नाम से, और वो लखनऊ के कल्चर को अपने में समेटे हुए और 100 साल तक जीवित रखेगी। तो इसमें कुछ जिक्र उन लोगों का है जो लखनऊ के लोगों ने जाके और बॉलीवुड में किसी तरह भी अपना योगदान दिया। इसमें कुछ नई बातें मिलेंगी कि वाजिद अली शाह के जमाने में इंद्र सभा होती थी, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इंद्र सभा वहां फिल्म बनी, और जैसे वो पद में थी उसमें 70 गाने उसी तरह रखे गए, अमानत अली शाह ने लिखी थी वो इंद्र सभा, उसका जिक्र है। के पी सक्सेना साहब ने जोधा अकबर के डायलॉग लिखे, उसके बाद हमारे यहाँ से डायरेक्टर साहब ने उमराव जान बनाई, उसकी कहानी भी लखनऊ के लेखक हाजी मिर्जा रुसवा साहब ने लिखी थी जो क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर थे। इस तरह के जिक्र हैं, इनमें कोई बहुत बड़ा साहित्य नहीं है मेरी पुस्तकों में, ना मैं कोई साहित्यकार हूँ, सिर्फ पर्पज ये है कि चतुर्वेदी जी का जो ख्वाब था कि वो लखनऊ की उन छोटी छोटी चीज़ों को बचा के रखिए, आने वाली जनरेशन पढ़े। अभी मैंने एक किताब लिख के दी है जो मणियाँ छावनी पे, मणियाँ में रहने वाले नहीं जानते कि यहाँ छावनी थी, मैं वहाँ गया तमाम ढूंढा, बेली गांव था, कब्रिस्तान है, कुछ लाट बनी है, उस पर एक किताब है जो चतुर्वेदी जी संपादन कर रहे हैं उसका, वाजपेयी जी संपादन कर रहे हैं उसका, सॉरी वो लिखी। इस तरह वो चाहते थे कि वो चीज़ें लिखिए जो लोगों के लिए नहीं हो। मुझसे कहने लगे लखनऊ मूर्तियों का शहर हो गया है, इस पे लिख दीजिए। मैं कैमरा लेके घूमने लगा, 300 मूर्तियां उतार डाली, खत्म ही नहीं हो रही थी। 100 मूर्तियां तो हाथियों की मिल गई, 10-12 बुद्धा की मिल गई, ना मालूम कितनी नेताओं की मिल गई, बहुत सी ऐसी मूर्तियां जो कभी लखनऊ आए नहीं, लखनऊ जानते ही नहीं, उनकी लगी हुई है। मैं कर रहा हूं, इतनी मोटी फाइल बन गई है, लेकिन किताब तो इतनी पतली बनेगी, क्योंकि उनका ये भी था कि सब एक सी निकले सीरीज, 50 पन्ने से ज्यादा ना हो। समय समाप्त हो गया, मुझे इशारा हो रहा है।